नमस्कार दोस्तों, पीके सबसे क्लास में आपका स्वागत। दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट 2018 के सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें दो केस हुआ था यूपी टेट 2018 के क्वेश्चन को लेकर। तो पहला केस तो डिसमिस हो चुका है, यानी पहला केस जो है खारिज हो चुका है, या आप कह सकते हैं कि वह दोस्तों वापस हो चुका है। और दूसरा दोस्तों बात करते हैं कि जो दूसरा है उसका मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 फरवरी के आसपास जो सुनवाई है, यानी कि कल सुनवाई है, तो श्योर हो चुका है दोस्तों कि जो है 15 फरवरी को इसकी सुनवाई है। आज 14 फरवरी है तो कल इसकी सुनवाई हो जाएगी। लगभग लगभग दोस्तों 12 बजे के आसपास सुनवाई होगी। मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। समस्या ये है दोस्तों कि वही वकील साहब, वही सरकारी वकील हैं और वही जज साहब हैं जिन्होंने केस को खारिज किया था। तो क्या केस खारिज हो जाएगा? जैसा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्योंकि जज साहब भी वही हैं, वकील भी वही हैं और मैटर भी वही है, तो हो सकता है कि केस खारिज हो जाए। जैसा कि आप लोगों को 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि 20% चांस है कि केस खारिज हो सकता है क्योंकि सेम मैटर है। तो सबसे पहले चलो आपको मैं दिखाता हूं कि जो केस खारिज हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं मंजुलता वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डायरी नंबर 25/30/2019 वाला केस था। ये देख सकते हैं आप, डिस्पोज हो चुका है। 11 तारीख को इसकी सुनवाई थी और जो जज साहब थे वो अरुण मिश्रा जी थे और नवीन सिन्हा जी थे। अब मैं फिलहाल की बात बता देता हूं। तो फिलहाल की बात दोस्तों जो दूसरा केस हुआ है, देख सकते हैं डायरी नंबर 40/44 है, हिमांशु गंगवार वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर आप देख डेट भी दे सकते हैं, 15/2/2019 को सुनवाई है, यानी कि कल सुनवाई है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जज साहब भी वही हैं, अरुण मिश्रा जी हैं और नवीन सिन्हा जी हैं। तो यानी और इसको आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 23 पे लगा है, सीरियल नंबर 23 पे लगा हुआ है। और जो इसका पहले केस हुआ था, यानी जो केस खारिज हो चुका था, ये सीरियल नंबर 20 पे लगा हुआ था। 12 बजे के आसपास जो इसकी सुनवाई हुई थी, तो बताया जा रहा है कि लगभग लगभग 12:30 बजे के आसपास इसकी सुनवाई हो जाएगी। तो जो मैंने दूसरे टीम से बात किया तो बताया जा रहा है कि इनके पास पर्याप्त साक्ष्य है और अच्छे वकील हैं, तो हो सकता है कि इनका केस टेकअप हो जाए, हो सकता है इनको ग्रांटेड मिल जाए लड़ने के लिए। अभी देखते हैं कि पहले दिन क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि पहले दिन में ही ये वाला केस जो है खारिज हो चुका है। इसका मैं आप लोगों को ऑर्डर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर ऑर्डर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड किया हुआ हूँ। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आप इसमें पढ़ेंगे दोस्तों, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जो है केस को वापस ले लिया गया है। यानी कि समस्या ये है दोस्तों को, जब केस लड़ना ही नहीं था तो क्यों वापस ले लिया गया? यदि वापस नहीं लेते तो केस को डिसमिस कर दिया जाता। और साथ साथ दोस्तों इनका कोई अभी तक वीडियो नहीं है, जिन्होंने अभी तक केस किया है इनका कोई अभी तक वीडियो नहीं आया कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, ऐसा अभी तक कोई भी इन्होंने जवाब नहीं दिया है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि केस को वापस ले लिया गया है। यहाँ पर साफ साफ विथड्रा लिख दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6 लीव टू विदड्रा दिस स्पेशल लीव पिटिशनर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी साफ साफ इसमें लिख दिया गया कि केस को इन्होंने वापस ले लिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो कल सुनवाई है उसके बारे में। तो कल जो सुनवाई है इसमें साफ साफ इनको हिमांशु गंगवार एंड जो इनकी जो टीम है उनसे बात करने पर ये पता चल रहा है कि जो इनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और इनका जो वकील है इनके सिवान सर जी के साथ साथ इनके जो और वकील हैं वो भी बहुत मजबूत हैं। तो हो सकता है इनकी टीम को परमिशन मिल जाए लड़ने के लिए, या हो सकता है कि क्योंकि इसके पिछले भी इसके जो पिछला जो केस हुआ था उसमें हार हुई है, जो मैंने जो ए वाला केस हुआ है मैं इसकी बात बोल रहा हूँ, इस वाले केस को डिसमिस कर दिया गया है। तो हो सकता है सरकारी वकील उसको बता दे, उसको आधार मानकर बता दे कि ये केस तो 11 तारीख को डिसमिस हो चुका है, सेम मैटर है, हर चीज़ वही है, तो इसको भी आप केस को डिसमिस कर दो। और जो जज साहब थे उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि जो डबल बेंच का जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उसको, उनका जो ऑर्डर वो सही है। तो साफ साफ इनमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि उम्मीद बहुत कम की जा रही है कि इनका भी केस टेकअप हो, क्योंकि जो है एक केस हार गए हैं, पहले सिंगल बेंच में भी हार गए थे और डबल बेंच में भी, और जो फिलहाल में जो 11 तारीख की सुनवाई थी उसमें भी जो केस को डिसमिस कर दिया गया है। अब देखना ये है कि कल क्या होता है, तो कल मैं आपको लाइव आके बता दूंगा क्या होता है पल पल की खबर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।